और इस बीच जानकारी मिल रही है पश्चिम बंगाल से, जहां टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल संदेश खाली घटना वाली जगह पर जाएगा और वहां से जानकारी हासिल करेगा, क्योंकि लगातार बढ़ता दबाव भारतीय जनता पार्टी ने घेर लिया है। इस पूरे मुद्दे पर टीएमसी प्रतिनिधि मंडल संदेश खाली जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। कांग्रेस और बीजेपी मिलकर टीएमसी पर लगातार प्रहार कर रहे हैं और इस घटना को लेकर ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी उनकी पार्टी के सदस्य, टीएमसी बैकफुट पर है। हालांकि बचाव करते हुए नजर आई थी दीदी विधानसभा के अंदर ममता बनर्जी, लेकिन जवाब मांगा जा रहा है, क्योंकि ये जो आरोप लगाया जा रहा है ये बहुत गंभीर है, शर्मनाक है। और वहीं की महिलाएं, पश्चिम बंगाल की महिलाएं, स्थानीय महिलाओं ने आरोप लगाया, किसी और राज्य की नहीं, इसलिए इस मामले से बचा नहीं जा सकता। इस वक्त लगातार हमलावर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और इसी बीच जानकारी मिली कि टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल अब संदेश खाली जाएगा। अब समझिए, उन्हीं के राज्य में पश्चिम बंगाल सरकार में सब कुछ होता रहा, पहले तो सिरे से नकारती रही ममता बनर्जी और टीएमसी कि ऐसी कोई बात नहीं, ये घटना नहीं है, लेकिन अब गिरफ्तारी भी हो रही है और अब टीएमसी का जो प्रतिनिधि मंडल है वो संदेश खाली जाएगा, यानी अब आंखें खुली हैं, दबाव कहिए या इसको खाना पूर्ति।